अरे कोई ले वे नाम तेरा, हाथ में एक बजरंगा झंडा, बढ़िया लगे इंतजाम तेरा। ओम तत् सत श्री सत गुरु ब्रह्मानंद पचासा। ओम तत् सत आज्ञा ऐसा शब्द है जिसके अंदर से अभी से कुछ न्यारा है, जिसे बतावे रब हमारा ध्वज, हमारा पचरंगा झंडा पंचायती, अखल विश्व को देवे आजादी, सच्चिदानंद ब्रह्म सब को दे प्रकाश, सब दोषों को दूर करे बुद्धि का करे विकास, आकाश वायु तेज आप धरती ही देह के अंदर पांचों की भरती, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार इन पांचों से डूब मरे नर नारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार इन पांचों से बचो नर नारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार इन पांचों से डूब मरे ब्रह्मचारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार इन पांचों से बचो ब्रह्मचारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से डूमरे तपधारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से बचो तपधारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से डूमरे घरबारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से बचो घरबारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से डूमरे अविचारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से बचो अविचारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से डूब मरे संसारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से बचो संसारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से डूब मरे वेदाचारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इन पांचों से बचो वेदाचारी, काम क्रोध लोभ अहंकार इन पांचों के संग से उतरे सब भव पार, काम क्रोध लोभ अहंकार इन पांचों से डूब मरे संसार, काम क्रोध लोभ अहंकार इन पांचों से बचो संसार, काम क्रोध लो मोहंकार इन पांचों से डूब मरी सरकार, काम क्रोध लो मोहंकार इन पांचों से बचो सरकार, काम क्रोध लो मोहंकार इन पांचों से रोवे जार बेजार। ओम तत्सत। ओमकार महिमा। ओमकार सबसे उत्तम सबसे बड़ा है नाम, ओम नाम जप से शुद्ध होवे आत्मा, पूर्ण हो सब काम, सचिदानंद स्वरूप सब दुनिया का एक है भूप, न्यायकारी न्यायकर्ता तेरे न्यायालय से सब जग डरता, अजर अमर अविनाशी काटो जन्म मरण की फांसी, तेरे लिए है बात जरासी सब जीवों की कटे चौरासी, हम डरते हैं ध्यान तुम्हारा हे गुरु मिटो संकट हमारा, ज्ञान ध्यान बल बुद्धि देव अपने चरणों में ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रटे से मिटे कलेश, नारद शारद और गणेश ओम को रटते रहे हमेश, जो तुम चाहो भव से तरना ले लो ओम गुरु जी की शरणा, आशा तृष्णा राग द्वेष मान अपमान करें क्लेश, निंदा स्तुति झगड़ा करती हर शोक में दुनिया मरती, हानि लाभ भूख प्यास सर्दी गर्मी में सभी निराश, जीव ब्रह्म प्रकृति इन तीनों का दो में बंटवारा, प्रकृति जड़ चेतन ब्रह्म सर्वज्ञ अल्पज्ञ है जीव विचारा, सत्य प्रकृति सचित कहावे सच्चिदानंद ब्रह्म ही पावे, प्रकृति है परिवर्तनशील सर्वदेशी ब्रह्म एक देशी है जीव, जीव रे प्रकृति के संग में रंगा जावे उसी के रंग में, ब्रह्म की तरफ जो मुख को मोड़ा सब दुखों से नाता तोड़ा, ओम सोहम की धुनि सुन पाई दुनिया से उसकी हुई विदाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दुखों के ये है शोषक, सत्य दया तप दान इन चारों से वेद का ज्ञान, सम संतोष विचार सत्संग सब भ्रमों का कर दे भंग, विवेक विराग सठ संपत्ति होए मुक्ति मिटे आपत्ति, 16 पदार्थ जो कोई जाने गुरुमुख होकर वेद पहचाने, 24 गुण 64 कला 14 विद्या पढ़ होए भला, 4 वेद उपवेद मिलाइए ब्राह्मण ग्रंथ भी साथ गिनाइए, 6 वेदांग उपांग भी इतने, 11 उपनिषद और भी जितने, पौराणिक आर्य वचनों को राख, 1131 व 1127 वेद की साख है, 18 पुराण 24 स्मृति जितनी अंतःकरण की वृत्ति, वेद शास्त्र का है यह निचोड़ वर्ण आश्रम दोनों जोड़, बाइबल इंजल साथ में कुरान, धर्म ग्रंथ सब दुनिया के इनको ही जान, बोध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह दीप वंश, बोधों के मुख्य ग्रंथ 3 सारांश, आशक सूत्र विशेष आवश्यक सूत्र कल्प सूत्र 5, 6, 6, 11 अंग, 12 उपांग कल्प सूत्र 5, 6, 6, 10 पेना सूत्र 5 पंचांग, इतने हैं जैन ग्रंथ इनका करो विचार, गीता रामायण महाभारत और भी जोड़ो सारे ग्रंथ, जितने हैं मत मतांतर और सारे पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब करे कविताई, भोले बिसरे सब भाई ब्रह्म आनंद सब की दुहाई, तरह तरह की भाषा तरह तरह के लेख सब की रटना देखी एक, जो न इधर के न उधर के बीच में लटकते खामे धक्के फिरे भटकते, सत रज तम मिटे भ्रम खाओ गम समझो धर्म करो कर्म मानो शर्म, माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वे फिरते मारे मारे,
ब्रह्मानंद जी करे विचार इनके बिना नैया पार। ओम गुरु जी ओम गुरु जी ओम गुरु जी ओम तीन ताप तीन दोष कटे क्षण में हो निर्दोष। ओम तत्सत। सद उपदेश झूठ कपट छल चोरी जारी इन पांचों से बचो नर नारी। कथन करे छोटा ब्रह्मचारी ईश्वर के हूँ आज्ञाकारी। यम नियम आसन प्रणाम करना चाहिए सुबह श्याम। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से सब मिटे उपाधि। तीन ऐसा दूर हुए कर्म उपासना ज्ञान से। पांचों कोष षट चक्कर तोड़ो इनको ध्यान से। 72 करोड़ 72 लाख और अधिक नाड़ी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना शुद्ध सुषुम्ना अगाड़ी। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों से आपस में बड़े तकरार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों के त्याग से बड़े आपस में प्यार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों से सब हुए बेकार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों के त्याग से सब हुए साकार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों से सब हुए बदकार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों के त्याग से बने शुभाचार। काम क्रोध लोभ मोहंकार इन पांचों से हुए सुधार। शुद्ध अशुद्ध फर्क है इतना माने कोई जाने जितना बह गया तीन गुणों में संसार। सतो गुण आवे जब भजन करे करे वेद प्रचार। बहगा तीन गुणों में संसार। रजोगुण आवे जब राज करे हाथी घोड़ों का सवार। बहगा तीन गुणों में संसार। तमोगुण आवे जब करे लड़ाई मार देवे दुत्कार। बहगा तीन गुणों में संसार। इन तीनों से जो न्यारा गुरु ब्रह्मानंद कन्हैया पार। बहगा तीन गुणों में संसार। रिद्धि सिद्धि यति सती हठी तपी का करो ध्यान। कोठारी भंडारी नागा निर्वाणी ऋषि मुनियों का करो सम्मान। धोनी पानी सर्व सिद्धों की वाणी। अलखिया पुजारी को होवे भान। रोगी भोगी सोगी योगी गुप्त प्रकट का हो गुणगान। श्रवण मनन निधि दयासन सतपथ का शोध। मल विक्षेप आवरण मिटे तब हो पूर्ण बोध। सबद सपरस रूप सगंध इन पांचों का लग रहा फंद। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जीवों का हो रहा रक्षण। अग्नि वायु आदित्य अंगीरा इनकी चाल को समझे कोई धीरा। सनक सनातन सनक सनंदन ये चारों तोड़ गए बंधन। रावण के संग राम का आना कृष्ण के संग कंस। इनकी राय निशानी समझे बढ़ता रहेगा वंश। सन्यासी उदासी नाथ निर्मले वैराग्य राख से बसते बिरले। सट भेष में दुनिया सारी समझन को है सब नर नारी। अहंकार चित मन बुद्धि इन चारों की कर ले शुद्धि। रितम भरा मिलेगी बुद्धि बात छूट जाएगी बेहुद्धी। गंगा यमुना सरस्वती सब देवी हैं इनमें भरती। खानी वाणी रहनी सहनी अंडज पिंडज सौध्वज उद्भिज चार बखानी। विराट प्राज्ञ हिरण गर्भ इनमें बसती दुनिया सर्व। जागृति सौपन सुसुप्ति तुरिया सारे जीव इन्हीं में जुड़िया। सरोतर त्वचा नेत्र रसना घ्राण ये पांच ज्ञान इंद्रिया जान। वाक हस्त पाद गुदालिंग ये पांच कर्म इंद्रिया कालिंग। प्राण अपान व्यान उदान समान ये शरीर में पांच प्राण। कुर्म करिकल देवदत्त धनज्ञ नाग इनको वश में कर ले भाग जाएगा जाग। 11 रुद्र 12 आदित्य इंद्र प्रजापति 8 वसु दुनिया सारी इनमें गई रची। 24 धमनी 16 कंडरा 700 सिराये 900 स्नायु 7 धातु 7 उपधातु 7 धातु मल 7 आशय 7 विष 7 उपविष समझो बात अटल। वात पित कप सारी दुनिया गई इनमें खप। 14 भवन 9 खंड सप्त दीप 3 लोक सबको मिलाया एक श्लोक। दिशों दिशा दिया रोक जाओ जंगल नहीं कोई टोक। न यहाँ देखो न वहाँ देखो जिसको यहाँ देखो उसको वहाँ न देखो। जिसको वहाँ देखो उसको यहाँ न देखो। यहाँ भी देख वहाँ भी देख देखत देखत ऐसा देख। मिट जाए दुई रह जाए एक। दुनिया बक बक कर रही बक बक से बकवाद। बक बक से बक बक मिटे बक बक से आजाद। ब्रह्म योग देव यज्ञ अतिथि यज्ञ जानना। बलि वैश्व भूत यज्ञ 5वां पितर यज्ञ मानना। दुख नहीं देना झूठ मत बोलो करो चोरी का त्याग। बुरे कर्म से डरते रहना नहीं किसी से लाग। जल मिट्टी से शरीर की शुद्धि सत से मन की करना। विद्या तप से होए आत्मा बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से करना। संतोष के अंदर रहना चाहिए दुख सुख का करो सहन। कौन कहाँ से आया हूँ मैं इसका करो विचार। मालिक सोच समझ कर बनना मिटे सकल तकरार। अय महात्मा ब्रह्म पर ज्ञानम ब्रह्म तत्व मसी अहम ब्रह्म अस्मी। जैसी सुनी समझी वैसी हृदय में जमी। ओम तत्सत। गीता का तत्व कर्म प्रेरक 3 है। ज्ञाता गे ज्ञान सहायक इनको जानना ध्याता दे ध्यान। कर्म संग्रह जिससे होवे उसका करे व्याख्यान। कर्ता कर्ण क्रिया इनका हो पूर्ण ध्यान। ज्ञान कर्म कर्ता गुण भेद से होए बरता। गुणों का गुण में बरतना इंद्रिय शरीर द्वारा और मन।
आत्मा निर्लिप्त है समझ ले में सब जन, करता अपन अभिमान से हो जाए जब दूर, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म से बुद्धि हो भरपूर, एक ही भाव से स्थित रहना यह है ज्ञान योग, इसी का नाम से न्यास है यही सांख्य योग, फलिच्छा को छोड़ना आसक्ति का कर त्याग, ईश्वर आज्ञा पालन हो यही है बुद्धि योग, तरदत कर्म सदर्थ धरना, मत कर्म समत योग, योग कर्म निष्काम, समझ बुझ कर पढ़ना चाहिए सब है बुद्धि योग, समत बुद्धि से कर्म करो कट जाए भव रोग, गुण विभाग में विभाग तेज इसको मान, इनसे न्यारी आत्मा यही है ब्रह्म ज्ञान, त्रुटि 14 आ गई इनका पूर्ण भान, 10 कार्य 13 करण, गुरु द्वारा समझ ले इनको फिर भी हो न तेरा मरण, शारीरिक वाचिक मानसिक 3 बड़े भव रोग, जड़ी बूटी औषधि पढ़ो व्याकरण करो योग, किसी कर्म के करने के हेतु जानो 5 आधार, पहला करता दूसरा कर ले पूरी जाँच, तीसरे में न्यारे न्यारे कारण का होवे ज्ञान, नाना प्रकार की चेष्टा, चौथे का भान, पांचवा है तू दैव है पूर्ण किया बखान, उल्टा वृक्ष है दुनिया सारी, पात डाल फल फूल, जड़ ऊपर तना समझ ले कभी न लागे भूल, मन को अपने टिकाना चाहिए कर वैराग्य अभ्यास, ब्रह्मा रंजी पूर्ण ब्रह्म को हो सर्वोत्तर प्रकाश, द्वैत अद्वैत विष्टा द्वैत शुद्ध त्रैद्वैत जिसको कहते हैं, ऋषि मुनि जितने हुए सारे इनमें रहते हैं, श्रेय परे स्वर्ग नरक उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों में इतना फर्क, देवयान पितरयान परवर्ती और निवर्ती, योगियों की योग धारा इनमें है गिरती, सूर्य प्रकाश अग्नि दिन सोम अंधकार धुआं रात, गिन देव और असुर दो है संपत्ति, इन दोनों से न्यारा हुए छोटे सब आपत्ति, आगामी आगामी संचित क्रियामान साथ में प्रारब्ध, इन चारों से न्यारा वह जिसको कहते ब्रह्म शब्द, आकांक्षा आसक्ति तात्पर्य योग्यता, इन चारों के ज्ञान बिना मिले न अयोग्यता, नीति के प्रयोग 4 साम दाम दंड भेद, युक्ति से प्रयोग करो दुनिया के मिटेंगे खेद, दह ईर्षा द्वैत भाव आसन का कर विचार, सोच समझ कर चलना चाहिए किसी जगह न खावे मार, 8 प्रमाण सृष्टि कर्म आपत पुरुषों का वचन, ईश्वर गुण कर्म स्वभाव से जो कर गए ऋषि कथन, स्वात्मा अनुभव करके करना चाहिए गमन, परीक्षा 5 प्रकार की ऋषि मुनि गए बता, सुनी सुनाई ब्रह्मानंद ने 85 में दी जता, दृष्टि से शुद्ध करके मार्ग आगे कदम बढ़ाना, वस्त्र से जल छान शोध कर फिर पीछे पी जाना, सत्य से शुद्ध करवाणी बोलो ज्ञान ध्यान का करो विचार, मन से मननशील होकर करना चाहिए आचार, शांति बराबर तप नहीं संतोष बराबर धन, तृष्णा से बड़ा कोई दुख नहीं दया से न्यारा धर्म, ओम तत्सत, अपने को पहचानो, असली कुटुम्ब को मैं बताऊं जिसमें करें किलोल, इस कुटुम्ब को त्याग कर दुनिया में पड़ रही रोल, सच को माता मानना ज्ञान को पिता जान, धर्म भाई है तेरा दया मित्र प्रमाण, शांति पत्नी है तेरी अक्षमा को पुत्र मान, 6 कुटुम्बी है तेरे जिनमें कर आनंद, इनको कभी न भूलना कहते ब्रह्मानंद, जीत दे के हार लेना भला तेरा यह काम है, हार दे के जीत ले ले दुनिया में बदनाम है, अपनी जड़ उखाड़ कर औरों की जमा दे तू, अपने को मिटा प्यारे औरों को बना दे तू, सुख को देकर दुखियों के दुख को बटा ले तू, अपनी इज्जत मिटाकर दूसरों की बना ले तू, सर्व के बदले नरक ले ले, खरा देकर खोटा ले ले, प्रीति के बदले घृणा ले ले, नीति दे के अनीति ले ले, सन्मुख दोष वर्णन करना पीछे गुणों का गान, गुण को पहले दोष को पीछे कहने मेरे ध्यान, जिसने इस गुरु को याद किया वही मनुष्य प्रमाण, सन्मुख स्तुति पीछे निंदा यह तो आदमी बिल्कुल गंदा, अपने दुख को सहन करो दूसरों का करो उपाय, योगी इसी का नाम है यह जीवन का दाव, अपने दुख का वर्णन करना दूसरों की नहीं सुनना, जिस वस्त्र से तन नहीं ढकता उसका फिजूल है बुनना, यह प्रेम का घर है खाला जी का बाड़ा नहीं, यहाँ आज्ञा का पालन है कुंजी और ताला नहीं, हेर फेर छोड़ी जिसने उसका मुंह काला नहीं, शीश काट कर चढ़ा दे जो अपना उसका गाला नहीं, मेरा तेरा छोड़ दे फिर अपनाने में टाला नहीं, जाना है रहना नहीं यहाँ धर्मशाला नहीं, जितने आए सारे गए आंखों में जाला नहीं, ठगी वगी मत करिए ब्रह्मानंद मत वाला नहीं, दुखों से जो बचना चाहो सुखों को लगाओ जूत, नरक से जो डर लगता हो सरक को पछाड़ दे, टोटे से जो घबराहट हो मुनाफे के न जाओ पास, मरने से जो बचना हो जीवन से धो लो हाथ, बैर से जो भय लगता हो प्यार को ठुकरा दे तू, अपमान को जो दूर चाहो मान का दे सिर पीट, तुझे शोक की जो चिंता हो हर्ष को न जगह दे, निंदा की जो फिक्र हो स्तुति को झाड़ू मार, भूख से जो न्यारा रहे तो प्यास से न बात कर,
सर्दी से चाहे छुटकारा, गर्मी के न पास लग, बंधन का जो बंद तोड़े तो मुक्ति की न कर तलाश, अविद्या से जो छूटना चाहे विद्या का न कर तकरार, अंधेरे से जो डर लगता हो प्रकाश को न याद कर, अज्ञान को चाहे खोना ज्ञान का न ध्यान कर, पाप से जो पार चाहे पुण्य का ना नाम ले, वियोग का जो हो बहम योग को न करो भूल, गिरने का जो भय माने चढ़ने का न ख्याल कर, पड़ेगा जो लगे भूल तरेगा जो जाए डूब, आने में जाना बसे जाने में आना देख, जागेगा जो सोना पड़े सोने में है जाग देख, पार में है आर रहे आर में है पार, बर्मानंद समर ये क्यों करे इकरार, रंग में है भंग प्यारे भंग में है रंग, दीप लो को देख देख जल जाए पतंग, भोग में है रोग भाई रोग में सोग, सोग की जो छान करी उसमें पाया योग, राग में द्वेष द्वेष में कलेश, बर्मानंद ओम कहो काम है हमेश, श्याम में सवेरे बसे सवेरे में है श्याम, जड़ में है चेतन वाश्चेतन में है जड़, बर्मानंद ज्ञान ध्यान वेद जाए पढ़, बुराई छोड़ दुनिया की बुराई से बुरा होना, भलाई बांध ले तन में भलाई से भला होना, मान को विष मानिए अपमान अमृत पीजिए, जीवन में मरना मसे मरने में है जीवन देख, कह कह कर दुनिया गई कह कर करना मुश्किल है, कर कर के प्रजा मरी बिन किए रहना मुश्किल है, चले चलो पीछे मुड़ कर न देखो, पीछे देखना मार्ग में रुकावट है, नेकी कर कुएं में डाल तेरी बुराई को तेरे सिर पर रख, किसी को अपनाना तेरी भूल है, न तेरा कोई न तू किसी का, इसमें खुलासा है इसी का, पलट तेरा ध्यान किधर है, याद रख नहीं तो रगड़ा जाएगा, बदल जा नहीं तो किला जाएगा, मेरी गली में आना है तो शीश हथेली पर धर कर आना, तन मन धन देकर फिर आगे कदम बढ़ाना, इज्जत है या शर्म को न लेकर आना, इसको छोड़ कर आना चरण में चढ़ाना, तू न किसी का कोई न तेरा एक मुझको ही अपनाना, यह लोक लाज दुनिया की न लेकर आना इधर को, यह शर्त लेकर आए कोई तेरे दरबार में, बर्मानंद उसको अपनाना पार लगाना, तेरे से बार नहीं है कोई सब दुनिया बसती है तेरे में, आवागमन का चक्कर चल रहा पड़ रहे सब फेरे में, तुम में मैं हूँ मैं में तुम हो, तीन काल से न्यारा हूँ मैं, तीन काल में तुम हो, मैं तो तेरा बन चुका तू मेरा बन न बन, पढ़ना लिखना हो चुका तू गुन न गुन, एक गिन दो गिन गिनते न हजार की, बर्मानंद सोच विचार बात न तकरार की, आत्मा है अजर अमर अविनाशी इसको जानना, प्रकृति का है मेल इसमें इसको उतारना, सथूल सूक्ष्म कारण शरीर तो ये तीन है, इनसे न्यारी आत्मा जाने तो प्रवीण है, पांच सात दो का अंतर इनके अंदर पाया है, कारक तो सात है, संबोधन बीच में आया है, मन इंद्रिय विषयों से रखना बिल्कुल दूर, श्रद्धा भक्ति विश्वास ज्ञान से योग भरपूर, आधार आधे दोनों नहीं जहाँ का करे तकरार, स्वार्थ और परमार्थ दोनों ना कुटिया गर भार, ओम खम ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ पालन स्वरूप, ओम भूमा उद्गित बड़ा स्वस्ती कल्याण स्वरूप, ध्यान करो तो अपना करो विषयों का ना करो भूल, विषयों का जो ध्यान करोगे सभी काम प्रतिकूल, विषय ध्यान से काम जगेगा काम रुकावट क्रोध, क्रोध में बुद्धि विषमत हो विषमत से मिटे बोध, बोध गया सब कुछ का पल्ले रहना कुछ, गंद गई मुस्कान गई और फूल गया है बुच, ममता हमता का त्याग करो सब इच्छा देव छोड़, तन मन धन से दुनिया की सेवा और मोह को लेव तोड़, जंगम स्थावर दो पदार्थ दो का दो में विभाग, दो को जमा दो में किया दो की दो में लाग, परमार्थ ही माया का लोभ है परमार्थ न स्वार्थ जिसमें उसके दिल को क्षोभ है, विद्या अविद्या बंद मोक्ष आचार और अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य का हम लोगों को पूर्ण हो विचार, यज्ञ तप दान ज्ञान धृति गुण भेद से तीन, मन वचन कर्म से हो पूर्ण यकीन, जवान तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदले बदलने का हो बल, जिसको जमाना बदले वो जवान नहीं जवानों का हमल, ओढ़ने को वस्त्र खाने को रोटी रहने को घर चाहिए, वेद विद्यालय पढ़ने के लिए पंडित विद्वान चाहिए, परस्पर प्रेम हो विश्वास में न कमी रहे, इस देश राज भक्त मर्यादा सबकी थमी रहे, इसका काम इस करे प्रकृति का प्रकृति, जीव का जीव करे बनी रहे स्मृति, बदल दे सारी दुनिया को बदलना ही तेरा काम है, सबसे पहले आप बदल जा इसी में तेरा नाम है, सुहद मित्र बैरी उदासीन मध्यम दवेशी संबंधुओं में, महात्माओं के अंदर पापी चांडाल रोगी सब में एक समेसी, ब्रह्म प्राप्ति का लक्षण है यही सबको सब में आपरमेसी, संस्कृत संस्कार दोष मलों से दूर, कर्म वीर हो कर्म करे पाप उड़े जो कपूर, इच्छा लेकर कर्म करे सब पापों का मूल, निरीक्षित हो कर्म करे पाप मिले सब दूल, ओम तत्सत।
कर्म विवेचन। मृत्यु लोक जगह मरने की जीवन की निहास, कर्म करे तो अमर हुए बिन कर्मी के गल फांस। कर्म भाग्य प्रारब्ध, कर्म बने तकदीर, कर्म से योगी बने महात्मा, कर्म से राजा रंग फकीर। कर्म से तेज, कर्म से सेज, कर्म से उत्थान तेरा, कर्म से स्वर्ग में पहुँचे, कर्म से रास्ता नेरा। कमजोर के अंदर हमेशा के लिए कमजोर ईश्वर पाता है, बलशाली जो होकर चले ईश्वर भी बलवान गुण गाता है। जो तुम चाहो मदद अपनी, खुद मददगार बनना होगा, आसपास के अगड़ पड़ोसी संग लेकर चलना होगा। सुखी जो कोई बनना चाहे, औरों को सुखी बनाना होगा, अपने दुख को दूर करने से पहले दूसरों के दुख को हटाना होगा। निषिद्ध विहिद कर्म दो वेद बतलाता है, निषिद्ध का फल तेरे लिए उल्टा वेद यह बतलाता है। विहित कर्म अनुकूल है तेरे, कर ले जब जी चाहे, विहित कर्म वह है जिसको तेरी आत्मा चाहे। गाली देवे मारे पीटे, माल छीन ले जाए, तेरे साथ में बीते ऐसी तू खुद दुख पाए। निषिद्ध कर्म है इसका नाम, जो कोई करे हुए बदनाम। आइए बैठिए पीजिए पानी, हाथ जोड़ करे नमस्कार, उससे बढ़ता सबका प्यार। विहित कर्म की है निशानी, दिल में हुए न तेरे गलानी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना, तीसरी उपासना जान। स्तुति गुणों का वर्णन करना, प्रार्थना कुछ न मांग। उपासना के अर्थ हैं मिलजुल कर चलना, मतलब कुछ न राख। मनुष्य शरीर मिले का फल यही समझना प्यारे, भूल भटक में पड़ के फिर रहे मारे मारे। जितना चाहिए उतना करना, और अधिक की आस, संग वालों की कर सहायता, कभी न हुए निराश। काला मुंह तो सबका है, अपना देखे ना कोई, दूसरों के मुख को देख देख कर दुनिया दुखिया हुई। वह कहे तेरा काला मेरा साफ है, मेरा पुण्य तेरा पाप है। दर्पण जब दोनों के आगे दिया किसी ने टेक, आपस का तुम झगड़ा छोड़ो मुंह को लो देख। अपने अपने मुंह को देखा, दोनों का झगड़ा खाली था। वह भी पापी पुण्य से बिल्कुल खाली था। उसने दोनों ने कर लिया साफ, दोनों एक के एक हुए न बेटा न बाप। छोटा बड़ा सब पाप है, कर्म करो सब बाट, जिससे जैसा बन सके करो आपस में छाट। आंख नासिका कान पैरों से आना जाना, हाथ से करदान, चमड़ी तेरी स्पर्श करे बुद्धि सोचे अगम। संकल्प विकल्प है मन का करना, रसना रस का करे रसन। अहंकार बताए कौन है, किसका चित का सर्वत्र हुआ रमन। ज्ञान पर्यटन धर्म दो तेरे, चार ओर हैं इनके नेरे। निमित से आए निमित से जाए, सुख दुख इच्छा दवेश कहावे। इन चारों से न घबराना, ज्ञान पर्यटन में चित को लाना। हार नहीं सर्वत्र जीत, ब्रह्मानंद कर सबसे प्रीत। दुखी नहीं है कोई दुनिया में, दुख है भूल तेरी। होन हार तो होकर रहेगी, करने में क्यों करे देरी। नकल से असल, असल नकल की माँ है, इन दोनों में अंतर इतना छाया छाया खां है। ओम तत्सत। श्रद्धांजलि। बुध कणाद सूर्य मनु पतांजल, व्यास विकार है पाणिनि कात्यायन। ऋषि कृष्ण राम वीर है, दत्त शंकर सुखदेव दयानंद रणधीर है। नानक गोरख रामानुज संग कबीर है, श्री चंद्र देव जी चेतन अवधूत सारे। धर्म सभा विद्या सभा राज काज सारे, सीता लक्ष्मी गार्गी भिलनी और मीराबाई। अरुंधति अनुसुईया माता धरतवती दुर्गाई। तीन वचन तीन ताप तीन दोष तीन तीन सारे, गिन लो हो जाओ सब खामोश। ईसा मोहम्मद गांधी और महावीर, ऋषि देव मारक सुकरात, ये हैं कर्मवीर। टॉलस्टॉय इब्राहिम और आइंस्टीन, जो जो छूट गए पुराने या नवीन, जितने हुए अब हैं सारे आगे होनहार। हाथ जोड़ ब्रह्मानंद सबको ओम तत्सत नमस्कार। स्ट्रेस का जो त्याग करेगा वही बनेगा योगी, स्ट्रेस रस को भोग भोग कर दुनिया हो रही रोगी। तू ही माता तू ही पिता तू ही है सब लोक, हाथ जोड़ ब्रह्मानंद इसलिए मारा करे है धोक। ओम तत्सत। अर्थशास्त्र का तत्व। सुख का मूल धर्म है, धर्म मूल अर्थ जान। अर्थ का मूल राज्य है, राज्य मूल इंद्रिय जय मान। इंद्रिय जय का मूल विनय, विनय का मूल सदाचार। नम्रता वर्ध सेवा, जब मनुष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है तब वृद्धों को समझे देव। इस प्रकार से ज्ञान बढ़ा लिया मान, ज्ञान से कार्य सिद्ध होता है, ज्ञान से लगता ध्यान। जित आत्मा ही जितेंद्रिय कहलाता है, जित आत्मा मनुष्य अपनी समस्त अभिलाषाएं पूरी कर पाता है। धन संपदा ही मंत्री सेना मित्र, प्रकृति संपत्ति का बना लेती है चित्र। मनुष्य की वृत्ति जीविका को कहते हैं अर्थ, मनुष्य युक्त भूमि का नाम भी धरते हैं अर्थ। जो शास्त्र इस पृथ्वी के लाभ और पालन का उपाय बताता है वह शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इस शास्त्र में निम्नलिखित 32 युक्तियों का समावेश, समझ बूझ कर पढ़ना चाहिए, मिट जाए सकल क्लेश।
अधिकरण विद्यान योग पदार्थ हेत वर्ष उद्देश्य निर्देश उपदेश अपदेश अतिदेश प्रदेश उपमान अर्थापति संशय प्रसंग विपर्य वाक्य शेष अनुमत व्याख्यान निर्वचन निदर्शन अपौर सब संख्या पूर्वपक्ष एकांत अनागत आवेक्षण अतिक्रांत आवेक्षण उत्तर पक्ष नियोग विकल्प समुच्चय और बत्तीसवा उहां जान ओम तत्सत। तिथि नक्षत्र देवता विचार तिथि देवता तिथि बतावे तिथियों के संग चल कर आवे प्रथम ब्रह्मान द्वितीय तष्टा तृतीय विष्णु जान चतुर्थी में यम आ गए पंचमी सोम विचार षष्ठी कुमार सप्तम मुनि अष्टम उसु को धार नवमी शिव दशमी धर्म का ज्ञान एकादशी रुद्र द्वादशी वायु त्रयोदशी काम पहचान चतुर्दशी अनंत पूर्णमासी विषव देव व्याख्यान अमावस को पितरिया बैठे करे आसन का ध्यान नक्षत्र देवता नक्षत्र बतावे नक्षत्रों के संग चलकर आवे अश्विनी का देव अशिव जानो भरणी का देव यम पहचानो कृतिका देवी अग्नि पाया रोहिणी देवता प्रजापति बताया मर्ग शीर्ष का देवता सोम जिताया अर्द्रा का देवता रुद्र गिनाया पुनर्वसु का देवता अदिति बताइए पुष्य नक्षत्र का बृहस्पति गिनाइए आश्लेषा नक्षत्र का सर्प देव है मघा नक्षत्र का पितरी सेव है पूरा फाल्गुनी का देव है भग उत्तरा फाल्गुनी का देव अर्य मन गया जग हस्त नक्षत्र सावित्री का घर चितरा नक्षत्र का तष्ट सिर स्वाति नक्षत्र का वायु पर विशाखा नक्षत्र को चंद्र अग्नि पोषे अनुराधा नक्षत्र को मित्र सोचे ज्येष्ठा नक्षत्र का इंद्र राजा मूल नक्षत्र में निवृत्ति साजा पूर्वा साढ़ा में अपपाया उत्तरा साढ़ा में विश्वदेव गिनाया श्रवण नक्षत्र में विष्णु की ताख घनिष्ठा नक्षत्र में वसु की साख सत विशिष नक्षत्र का वरुण ठिकाना पूर्वा भाद्रपदा का अजापात में जाना उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का अयुर्बुदन्या भाई रेवती नक्षत्र में पुषण देव दिया बिठाई नाम विधि में कितने अक्षर यह भी यहाँ बताना है किन को नाम में लाना चाहिए किन को क्या मना है सबर तो सारे ले लिए व्यंजनों को जिताना है वेद विधि से बात बताई सिर को नहीं खपाना है प्रथम वर्गों के दो दो अक्षर इनको देव छोड़ अंतस्थ और सुम को बाकियों में देव जोड़ सम में लड़का विषम में लड़की नामकरण का तोड़ नाम बड़ा बरम का उसे मिलन को दौड़ सोलह कला सोलह संस्कार इनको भूल दुखी संसार शब्द पद वाक्य पंक्ति श्लोक मंत्र सत्य आख्याति उपसर्ग निपाद शब्द करण युग तंत्र करम बद्ध परिपूर्णता औदार्य माधुर्य स्पष्टता बोल चाल लिखना पढ़ना पांच बिना साफ नहीं चले कैसे हटता चित तेरे दो धर्म परिदृष्ट अपरिदृष्ट परिदृष्ट अपरोक्ष है परोक्ष अपरिदृष्ट कोई कोई होते हैं ब्रह्म क्षेत्र ब्रह्मनिष्ठ इसमें भी कुछ अंतर है समझेंगे जनशिष्ट ओम तत्सत। योग दर्शन विचार अविद्या असीमता राग द्वेष अभिनिवेश मन बुद्धि चित इंद्रियों में पांचों करे कलेश तम मोह महामोहता मिस्तर अंधता मिस्तर योग दर्शन सांख्य में इनका आया जिक्र जायते अस्ति वर्धते विप्रणमति अपिक्षियते विनश्यति नाम रूप रखने वालों में ये छह विकार पतति अविद्या के अंग चार हैं अनिति असुचि दुख अनात्मा विद्या इनको जानिए नित्य सुचि सुख शुद्ध आत्मा चित्त की अवस्था पांच है समझाते आये बुद्ध अक्षिप्त विकसित मूड एकाग्रता निरुद्ध शुभ इच्छा सुविचारना तनुमाशा सत्वापति असन शक्ति पदार्था भाविनी तुरियेगा पार्थी अणिमा महिमा गरिमा लगीमा प्राप्ति पंचम मान पराकाम्य वसितव इसितव अष्ट सिद्धिये जान प्रणाम तीन प्रकार का पूरक रेचक कुंभक कुंभक के अंग तीन है बाहरुणी अंदरुणी केवल कुंभक समाधि के हैं दो भेद संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात सविकल्प समाधि निर्विकल्प असंप्रज्ञात वृत्ति पांच प्रकार की भेद जान दो बीच प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति अकलिष्ट शुद्ध कलिष्ट नीच पर अपर वैराग्य के हैं दो प्रकार पर वैराग्य एक है अपर के हिस्से चार बर्मानंद लिखे खोल के पढ़े लिखे संसार यतमान व्यतिरे के केंद्रीय है चौथा वसीकार किसी ग्रंथ को समझने के लिए सात बात कर याद उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल उपपत्ति अर्थवाद पदछेद पदार्थोक्ति अन्वय विशेष और भावार्थ पढ़ना लिखना छह के बिना बर्मानंद है अव्यर्थ है अशक्ति अठाईस भेद में ग्यारह इंद्रिय विधात तुष्टि नौ प्रकार की सिद्धि अष्ट कहलात अशक्ति अठाईस भेद से रहे बुद्धि के अंदर अशक्ति मिटे प्रकाश हुई चढ़े ज्ञान के चंदर ज्ञान मिले हैं पांच तरह से उनका बताए भेद वह शब्द अध्ययन सुहद प्राप्ति पंचम गिनना दानेद
अविद्या 62 किस्म की, 8 तम मोह 10 प्रकार गिनेगी जिसको कहे मोह। अष्टादश रूप बनकर के आई है ताम स्तर, अष्टादश ही ब्रह्मानंद जी पाई है अंधता मिस्तर। दर्शन का अर्थ देखना सरल अर्थ समझाए, दुख क्या कहाँ से आया सुख क्या मिलना कौन उपाय। रोग किसका नाम है रोग का हेतु कौन, अरोगता कहते हैं किसे कैसे प्राप्त होन। प्रमाण प्रेम में संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वात जलप वितंडा हेतु आभास। छल जाति निग्रह में सरक सोना लोहा तांबा मिट्टी रुई कार्य कारण विकार, रज वीर्य से देह बनी शब्द है वाणी विकार। हर शोक मन में रहे जामे मरे शरीर, प्राणों में रही भूख प्यास आत्मा बेतकरीर। छोटे बड़े शरीर है माया प्रकृति मूल, ब्रह्मानंद नित मुक्त है नहीं अविद्या मूल। ओम तत्सत। वेद वेदांग एम संस्कार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद ऐतरेय शतपथ साम गोपथ चार वेद उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ संगमेरोपथ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष षड अंग न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत छह उपांग ईस केन कठ प्रसन्न मुंडके मांडुके तेतेरिय एतेरिय छांदोग्य ब्रह्म धारणक स्वेता स्वेतर। आप और से अरस ग्रंथ इनको लिया जान, उनको भी पढ़ देख ले जो रहे इतर। षोडश संस्कार इनका करो विचार, प्रथम गर्भा दान है द्वितीय पुष्पन मान, सीमा न्योतन तीसरा चौथा जात कर्म प्रमाण, नामकरण है पांचवा निष्कर्मण छठे का ज्ञान, अन्न पराशन है सातवा चूड़ा कर्म अष्ट इसका रखे ध्यान। करण वेद नौमा कहा उपनयन है दस, वेदारंभ है ग्यारहवा समावर्तन द्वादश, तेरहवा रतन विवाह हुआ चौदहवा वान परस्त सोलवा अंत्येष्टि मानिए पंद्रहवा सन्यस्त। श्रुति स्मृति सदाचार सवातमा नभु करो विचार, इन धर्म की व्याख्या ऋषि मुनि कर गए चार प्रकार। ओम तत्सत। नए दर्शन सार, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय छह पदार्थ कणाद के भाव भी इनमें आया, द्रव्य नोपर बट गया पदार्थ का क्या घट गया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा मन आत्मा ब्रह्मानंद प्रकाश। 24 गुण पहला रूप दूसरा रस जानिए, तीसरे में गंध आई चौथे में स्पर्श पंख्या मानिए, छठा परिमाण सातवा प्रतिकत्व आठवा संयोग नौवा विभाग कर, दसवां परतव ग्यारहवां परतव समझ, बारहवें में बुद्धि तेरहवें में सुख पाया चौदहवें में दुख गिनो पंद्रहवें में इच्छा सोलहवां द्वेष सत्रहवां प्रयत्न अठारहवां गुरुता उन्नीसवां द्रव्य तवसार, बीस में स्नेह देख इक्कीस में संस्कार, बाईस पर धर्म जानो तेईस को अधर्म मानकर चौबीस शब्द विचार, उत्क्षेपण अपेक्षण आकुंचन गमन प्रसारण पांच कर्म कर धारण, साधर में वैधर में सबके अंदर पाता है ब्रह्मानंद जी, ब्रह्म के अंदर सवमेव रहता है। शब्द दो प्रकार का दृष्टात अदृष्टात, प्रत्यक्ष में दृष्टात है आगम में अदृष्टात। ओम तत्सत। उपनिषद तत्व, शरीर गाड़ी इंद्रियां घोड़े मन लगाम बुद्धि गढ़वाला ब्रह्मानंद बैठा मत वाला, इसमें सफर करेंगे सारा सोच समझ कर इसे चलाए भव से हो नस्तारा। चक्षु उसको नहीं देखती बाणे करे न बयान, मन उसको जाने नहीं किसका दर है ध्यान। नशे विषय को त्याग दे मन को कर ले शुद्ध, निर्मल होकर लगे उसमें हो जाए पर बुद्ध। अग्नि धातु मल को फूके प्रणाम करे कुछ और, अंत्यकरण को शुद्ध करे ब्रह्म से लागे डोर। इंद्रिय दोष संस्कार से अविद्याए जरूर, योगाभासी योग में जुड़कर ब्रह्म ज्ञान भरपूर। लक्षण और प्रमाण से हो वस्तु का ज्ञान, बिना ठिकाने नियम के कैसे करे प्रमाण। समाधि सुसुप्ति मोक्ष में तीनों एक स्वरूप, ब्रह्मानंद आनंद में न छा न धूप। ईश्वर व्यापक है सारे को सब में है प्रकाश, जो कुछ देवे भोग लगाओ कर्म वीर कर विश्वास। सब का कारण एक है एक को एक में एक का ध्यान, एक से एक का एक में प्रमाण एक का प्रमाण। गात न पात न रोगी न भोगी ब्रह्मानंद बने कैसे संयोगी, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, एक को जमा छह में किया ब्रह्म की लेली शरण। इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी, ये पांच नाम इतिहास ब्राह्मण ग्रंथ के हैं समझे बाजराशी। विद्या और विद्या को जाने साथ साथ ज्ञान विषय पूर्ण है ब्रह्म का साक्षात। आदि मूल परमात्मा उसके संग आकाश, आकाश में वायु बसी वायु से अग्नि जान, अग्नि से जल मिला जल ने पृथ्वी धारी, पृथ्वी से अन्न औषधि अन्न से रेत रेत से पुरुष ब्रह्मचारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठो करो सोच स्नान, एकांत में बैठकर करना चाहिए ध्यान। सुबह श्याम में श्याम सुबह में दोनों समय गए बीत, ना कुछ बिगड़े ना कुछ बनता हार हुई न जीत। ज्ञानी
तपस्वी संतोषी सत्यवादी जितेंद्र दाता दयालु नम्र अष्ट बिन बर्बादी सम दम तितिक्षा ऊपर तीसर दा समाधान विवेक वैराग्य मुमुक्षता साधनचार का ज्ञान अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा पंच कोश षट चक्कर कहे गए मल विक्षेप आवरण कर्म उपासना ज्ञान अव्यक्त महत्व अहंकार पंच तन्मात्रा जान रस रक्त मास मेद हड्डी मज्जा पारा ब्रह्मानंद जड़ चेतन ग्रंथि खुली भरम गया सारा बहन गई भाई आया भगिनी आई जब भाई नहीं सारी जिंदगी चली गई मिल बैठे दोनों पास नहीं आशा तृष्णा राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति हरस शोक दुख सुख भूख प्यास शीत उष्ण गुप्त प्रकट थानी मकानी रोगी भोगी सोगी योगी रिद्धि सिद्धि यति सती हठी तपी नागा निर्वाणी धुनी पानी सर्व सिद्धों की वाणी अलखिया पुजारी ऋषि मुनि देवी देवता गुरु शिष्य पिता पुत्र वक्ता श्रोता ज्ञानी ध्यानी स्त्री पुरुष भाई बहन जड़ चेतन जंगम स्थावर रात दिन पाप पुण्य सर्ग नरक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायु व आग्नेय ईशान उद्धव अध्यय छोटा बड़ा चार धाम चौरासी अड्डे नवनाथ चौरासी सिद्ध जैसी करनी वैसी भरनी चलेगी कैसे किसी की जिद हे भोले भाले जीव तू तो ब्रह्म स्वरूप है इतना जीव सुमरण कर पतला मोटा कठोर कोमल हल्का भारी यहाँ वहाँ कैसे ऐसे जैसे वैसे जीव ब्रह्म दैत अद्वैत ऊपर तले अंधेरा प्रकाश विद्या अविद्या अच्छा बुरा माता पिता द्वंद्व वाद में दुनिया सारी द्वंद्व से न्यारा ब्रह्मचारी एक वृक्ष पक्षी दो बैठे उसकी डाल करता भरता एक है साक्षी एक भूपाल आध्यात्मिक आदि बौद्धिक आदि दैविक ये तीन ताप सुन सतोगुण रजोगुण तमोगुण साम्य अवस्था प्रकृति के हैं तीन गुण ईक्षण श्रद्धा प्राण आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल इंद्रिय मन अनवीर्य तप मंत्र कर्म नाम अचल मूर्त अमूर्त सायु निर अवयव निवर्ति परवर्ति गुण दोष ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सिद्ध एक रस सृष्टि कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यापक सर्वाधार प्रतिबिंबवाद परिच्छेदवाद विवर्तवाद दृष्टि सृष्टिवाद जीव ब्रह्म की एकता कैसा यह व्यापार निमित्त कारण उपादान कारण साधारण कारण कंप्यमान अकंप्यमान मूल रूप एक है दो को किया धारण स्वतंत्र सुखी परतंत्र दुखी समझ लो यह सार यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर देव मनुष्य पितर नरनार सथुल सूक्ष्म कारण सारों का हर नाम रूप ओम तत्सत ओम गुरुजी सब में सब है निरूप कर ओम तो निरूप है ओम तत्सत मिलकर शुभ कर्म करो हे मित्रों समान मन वाले होकर उठो अग्निहोत्र करो उषा काल में अपनी आत्मा में भगवान रूपी अग्नि को प्रचंड करो उसी से तुम्हारी रक्षा होगी उसी से तुम्हारी शिक्षा होगी जिस कर्म के करने से परमात्मा नहीं मिलता बेकार है कर्म वो जिसमें नहीं सफलता जिस पद को सर्व वेद कहते हैं जिसके लिए सब कर्मानुष्ठान किए जाते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य धारण करते हैं नचिकेता वह पद ओम कहते हैं सारे कर्म सदोष हैं जिसमें इस रमक नहीं पाए ब्रह्मानंद निर्दोष वही जो ईश्वर के गुण गाए भूत भविष्य वर्तमान तीनों उत्पत्तिशील नित्य से रहते दूर उत्पत्ति की है तीनों कील मूल कर्म से तीन है योनि आयु भोग योनि तीन प्रकार की उभय कर्म उपभोग कारण के न होने से कार्य भी नहीं होता इससे बिना कारण मृत्यु नहीं हो सकता ओम तत्सत मनुष्य सफलता कब पाएंगे सत्य की हमेशा जीत है झूठ चले नहीं पैर झूठ मनासा बांध कर किसको मिली है खैर मनुष्य सफलता कब पाएंगे मिलजुल कर जब गुण गाएंगे सबका होए एक विचार खान पान में नहीं तकरार ओडन पैरन एक सा बाना इष्ट उपासना एक समाना आशा खान पान भी एक सतगुरु रखे उसकी टेक साथ में आओ साथ में जाओ साथ में खाओ बाट ऐसा काम नहीं दुनिया में जो लगे तुम्हारे आंट कोई ओम कहे कोई राम रटे कोई अल्लाह और खुदा कोई कहे सब जगह व्यापक कोई कहे हमसे जुदा कहीं स्थान भेद कहीं रूप भेद कहीं भेद नाम का पाया है ब्रह्मानंद यात्रिक भेद तेरे बीच समाया है ओम तत्सत मैं कौन हूँ ब्रह्मानंद जी बताए सुनना देकर ध्यान हाँ गुरु जी जरूर सुनूंगा पूरा है सम्मान अजर अमर किसको कहते हैं नाशवान है कौन अजर अमर आत्मा नाशवान देह गौण घटता बढ़ता कौन है एक रस है कौन एक रस आत्मा संत वही इसे जाने जौन घटता बढ़ता शरीर है जामे मरे है जौन
जामन मरण जवानी चौथा बुढ़ापा मान चारों धर्म धे के वेदों में प्रमाण स्वाभाविक आवे स्वाभाविक जावे इनके रोकन में जो जोर लगावे इसे लिए नारी नर नारी दुख को पावे न डरे न डराए किसी को अपने समान समझे सभी को एक पिता और एक महतारी एक गुरु के सब ब्रह्मचारी लड़ाई झगड़ा फिर क्यों करते बैर भाव क्यों दिल में धरते स्वार्थ में पढ़कर करे लड़ाई इसलिए मारे भाई को भाई मनुष्य वही जो करे विचार ज्ञान बिना पशु नरनार हाड मांस मल मूत्र का शरीर भरा एक थैला ब्रह्मानंद शुद्ध आत्मा इसमें बसे अकेला मोह ममता इस देह में करना है बड़ी मूर्खता करने योग्य कर्म को करना जिसमें मिले सफलता नाशवान इस देह के अंदर बसकर कौन सुखी है सारी दुनिया रहती इसमें बसकर सभी दुखी हैं ज्ञान सुखी है भूल दुखी है इतना अंतर मान याद रहा तो मुक्त ब्रह्म है भूल गया तो दुखी खान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी करते रहे यही उपदेश सतगुरु श्री ब्रह्मानंद जी मेटो सकल कलेश बचपन जवानी बुढ़ापा मरण ये चारों देह के धर्म अंतःकरण शुद्ध करो करके शुभ शुभ कर्म निष्कामता शुभ है सकाम अशुभ कर्म जो होकर कुछ दिन रहता है रह कर हो नाश ब्रह्मानंद जी क्या शरण है क्या उसका प्रकाश जो बनता नहीं बिगड़ता है रहता एक रस ब्रह्मानंद जी उसमें रमण करना उसमें बस कोई नहीं किसी का भाई दुनिया रुका मारे सारी अजर अमर आत्मा शरीर से रहती न्यारी शरीर मिल गए हरस शोक क्या आत्मा से प्यार है भूख प्यास सर्दी गर्मी दुख का क्या सार है आगमा पै दवंदर सारे आत्मा विचार है ओम तत्सत कर्म योग कर्म वीर कर्म करो कर्म से भव पार है कर्म में कलाकार तेरा कर्म ने किया तो शरीर बेकार है विद्वान बने विद्वान कहावे विद्वानों में आसन है कर्म भूमि में कर्म करे बिना कर्म शरीर निराशन है जो कर्म करे वह कर्ता स्वतंत्र और जिंदा है आलस्य और प्रमाद करे वह इजड़ा कायर मुर्दा है प्यारे यहाँ उसकी निंदा है तेरा कर्म 4 बजे से आरंभ होकर 10 बजे तक चलता है 6 घंटे आराम के तेरे जो किए बिना नहीं टलता है मूसा और जरतुष्ट कर्म करने में रहना चाहिए चुस्त ओम तत्सत ब्रह्म का स्वरूप सबल ब्रह्म पार ब्रह्म है दो रूप पार सबल ब्रह्म साकार है पार ब्रह्म निराकार सबल ब्रह्म प्रत्यक्ष है क्रिया नाड़ी सार सबल पर ब्रह्म अति दूर है योगी योग आधार सबको प्राप्त सहज है सबल ब्रह्म का ज्ञान पर ब्रह्म मुश्किल मिले बिरला धरे कोई ध्यान सबल ब्रह्म ऐसा मिले जैसे गाय का दूध मूल मूल में रह गया लिया मूल का सूद बट्टा तराजू खास तेरा गज कैंची माप पदार्थ ज्यो का त्यों रहे करता फरे बिलाप मूल तत्व है दो के अंदर शीत उष्ण सूर्य चंदर दूध निराला दही विकार मक्खन प्यारा घी सार छाछ मट्ठा लस्सी कहलाये ब्रह्म आनंद इसी में पाए प्रथम माता गौ कहलाती दूध मलाई बहु शर्माती खट्टी मिठी पतली मोटी लाल सफेद नाम धरवाती ओम तत्सत ज्ञान के दोहे ज्ञानी का संसार में किसी दो निर्वाह जैसे जल के बीच में कमल रहे तैरता एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम का सकल पसारा एक राम है सबसे न्यारा खोद पीट धरती सहे काट बाड़ बन राये बोल को बोल साधु सहे और से सहा न जाए दुनिया दो का नाम है दो बिना नहीं संसार जगत भगत का बैर है कहते हैं नरनार वाराणसी बनारसी काशी बीच स्थान भ्रुक्टी भर गुफा का योगी धरते ध्यान साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी लोग एकांत में बैठकर करें मनन तज भोग 5 को मारो 5 सुधारो 3 करो परित्याग 4 अपनाना 4 पड़ जाना 4 के 4 में लाना जाग 1 खड़ा है बीच में 1 चतरफा घेरे घेरा 1 1 पा 1 पो 1 आ 3 में 1 घेरे घेरा 1 सेवक का तो शरीर नहीं दाता का नहीं होता धन सूर वीर का शीश नहीं तीनों रहते बड़े मगन संत साई के लाडले संत साई के पूत संत न होते जगत में साई जाता ऊत यह तन विष की बेल है गुरु अमृत की खान तन मन धन दिए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान मन की गति है अटपटी झटपट जाने न कोई जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होई माला फेरत उम्र गई जन्म लिया बहुबार वेद शास्त्र बहुत पढ़े मन का गया न विकार ओम तत्सत शुद्ध किया सकता पूजा करी पाठ के मन निवा शुद्ध दान पुण्य भी बहुत किया सारे काम विरुद्ध कीड़ी से ब्रह्मा तलक सारे जीव सार खाना पीना और आना जाना अंतर ज्ञान विचार
शरीर शुद्ध, वस्त्र शुद्ध, बर्तन शुद्ध, स्थान विचार शुद्ध, मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, मकान आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, वचन शुद्ध हो तेरा, ज्ञान शुद्ध, ध्यान शुद्ध, मान शुद्ध, दान शुद्ध, मार्ग शुद्ध घनेरा, कर्म शुद्ध, धर्म शुद्ध, विद्या शुद्ध, चित्त शुद्ध, काम शुद्ध, क्रोध शुद्ध, लोभ शुद्ध, मोह शुद्ध, अहंकार शुद्ध, वेद शुद्ध, वेदांत शुद्ध, वेदांग शुद्ध, उपांग शुद्ध, शिक्षा शुद्ध, भिक्षा शुद्ध, दीक्षा शुद्ध, स्मृति शुद्ध, पुराण शुद्ध, प्रमाण शुद्ध, इतिहास शुद्ध, नाम शुद्ध, उच्चारण शुद्ध, स्वर शुद्ध, औषधि शुद्ध, लेख शुद्ध, जल शुद्ध, अन्न शुद्ध, दूध शुद्ध, घी शुद्ध, प्रकाश शुद्ध, तेल शुद्ध, मेल शुद्ध, खेल शुद्ध, बीज शुद्ध, खेत शुद्ध, फल शुद्ध, फूल शुद्ध, अग्नि शुद्ध, पृथ्वी शुद्ध, आकाश शुद्ध, विश्वास शुद्ध, भक्ति शुद्ध, गुरु शुद्ध, शिष्य शुद्ध, माता शुद्ध, पिता शुद्ध, भाई शुद्ध, बहन शुद्ध, संबंध शुद्ध, ऋषि शुद्ध, मुनि शुद्ध, वर्ण शुद्ध, आश्रम शुद्ध, गंध शुद्ध, शब्द शुद्ध, स्पर्श शुद्ध, रूप शुद्ध, रस शुद्ध, गंध शुद्ध, इंद्रिय शुद्ध, देह शुद्ध, भेष शुद्ध, केश शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, तर्क शुद्ध, फरक शुद्ध, पाठ शुद्ध, पूजा शुद्ध, चौका शुद्ध, लेना शुद्ध, देना शुद्ध, आना शुद्ध, जाना शुद्ध, स्नान शुद्ध, पहचान शुद्ध, व्याख्यान शुद्ध, उपदेश शुद्ध, नरेश शुद्ध, राज शुद्ध, नर शुद्ध, नारी शुद्ध, घर शुद्ध, बार शुद्ध, ग्राम शुद्ध, विश्राम शुद्ध, जाग शुद्ध, राग शुद्ध, नीति शुद्ध, प्रीति शुद्ध, तीर्थ शुद्ध, मंदिर शुद्ध, घाट शुद्ध, बाट शुद्ध, अस्त्र शुद्ध, शस्त्र शुद्ध, बल शुद्ध, धन शुद्ध, यतन शुद्ध, रतन शुद्ध, मंत्र शुद्ध, तंत्र शुद्ध, यंत्र शुद्ध, आचार शुद्ध, तप शुद्ध, संतोष शुद्ध, पद पदार्थ शुद्ध, स्वार्थ शुद्ध, परमार्थ शुद्ध, शांति शुद्ध, दांति शुद्ध, क्रांति शुद्ध, भ्रांति शुद्ध, दाता शुद्ध, सत्य शुद्ध, दिन शुद्ध, रात शुद्ध, बाहर शुद्ध, अंदर शुद्ध, वर्षा शुद्ध, बाहर शुद्ध, था शुद्ध, होगा शुद्ध, है शुद्ध, दया शुद्ध, विष शुद्ध, अमृत शुद्ध, लड़ाई शुद्ध, झगड़ा शुद्ध, रगड़ा शुद्ध, प्राण शुद्ध, हवन शुद्ध, सामग्री शुद्ध, लोक शुद्ध, परलोक शुद्ध, दिशा शुद्ध, विदिशा शुद्ध, यहाँ शुद्ध, वहाँ शुद्ध, धर्म शुद्ध, शरम शुद्ध, तोल शुद्ध, नाम शुद्ध, जाप शुद्ध, आप शुद्ध, हम शुद्ध, वह शुद्ध, सूर्य शुद्ध, चंद्र शुद्ध, सितारे शुद्ध, शीत शुद्ध, उष्ण शुद्ध, ज्ञानी शुद्ध, ध्यान शुद्ध, विधि शुद्ध, विधान शुद्ध, कहना शुद्ध, रहना शुद्ध, गाना शुद्ध, बजाना शुद्ध, बाजा शुद्ध, बुलावा शुद्ध, देवी शुद्ध, देवता शुद्ध, कर्ता शुद्ध, धरता शुद्ध, हरता शुद्ध, मरण शुद्ध, जन्म शुद्ध, भूल शुद्ध, याद शुद्ध, जड़ शुद्ध, चेतन शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, अर्थ शुद्ध, मोक्ष शुद्ध, त्रिदोष शुद्ध, त्रिताप शुद्ध, विवेक शुद्ध, वैराग्य शुद्ध, सम शुद्ध, दम शुद्ध, तितिक्षा शुद्ध, उपरति शुद्ध, श्रद्धा शुद्ध, समाधान शुद्ध, श्रवण शुद्ध, मनन शुद्ध, निधि ध्यासन शुद्ध, श्रोता शुद्ध, वक्ता शुद्ध, यम शुद्ध, नियम शुद्ध, षटरस शुद्ध, सपत धातु शुद्ध, पंचकोश शुद्ध, षटचक्र शुद्ध, सप्ताशय शुद्ध, सथूल शुद्ध, सूक्ष्म शुद्ध, कारण शुद्ध, ब्रह्मानंद परम शुद्ध, अगले पिछले भूले बिसरे सारों को कर ले शुद्ध, सही शुद्ध, कलम शुद्ध, लेखक शुद्ध, दवात शुद्धि शुद्ध को ब्रह्मानंद जी करना तेरे हाथ, पिंड शुद्ध, ब्रह्मांड शुद्ध और शुद्ध संसार, इनसे न्यारा शुद्ध है जिसको कहे ओमकार, आसन शुद्ध, प्रणाम शुद्ध, प्रत्याहार शुद्ध, धारणा शुद्ध, ध्यान शुद्ध और समाधि शुद्ध, ज्ञान का ज्ञान, ध्यान का ध्यान, प्राण का प्राण निराकार, गुरु का गुरु, पिता का पिता, कारण का कारणकार, नेत्र का नेत्र, स्रोत्र का स्रोत्र, कार्य कारण विकार, मन का मन, योगियों का योग, बलियों का बलसार, ज्ञान विचार नहीं जो करता कर्म धर्म बेकार, शुद्ध विचारे अंतरधारे क्रिया क्रम अपार, सत शुद्ध विचार शुद्ध ज्ञान शुद्ध का सार, अनंत शुद्ध अजर शुद्ध अमर शुद्ध सर्व शुद्ध विस्तार, धरती का कागज करूं वृक्षों की कलम बनाए, समुद्र दवात पर्वत स्याही, शेष शारदा बोले लिखे फिर भी शुद्धि का पार न पाए, ओम तत्सत। ब्रह्मानंद आराम, आराम किसको कहते हैं, आराम का क्या नाम है, आराम किसको मिलता है, आराम का क्या ध्यान है, आराम किस में रहता है, आराम किसको गहता है, आराम किसको पाता है, आराम का उपाय हमको दो समझाए, गुरुदेव हो कृपया तुम्हारी, हम समझना चाहें सब नर नारी, गुरुदेव कहे हैं भाग्य तुम्हारा जो ऐसा प्रश्न उठाया, कर्तव्य कर्म का करना मनुष्यों को बतलाया, वे शास्त्र ऋषि मुनियों ने यही रास्ता दिखलाया, कर्तव्य कर्म के करने को कहते हैं काम, कर्तव्य कर्म को जिसने कर लिया उसने पाया आराम, आराम करो कह रही दुनिया सारी, आराम कहाँ बिना काम के हो रहे बड़े दुखारी, आराम काम का नाम है आराम कर्म को जान, काम के पूरा करने को कहते हैं आराम, काम काम को नहीं कहते, काम कर्म सत्यमान, सत्य कर्म के बिना कैसे मिले आराम, फैली बैठे लेट लगाए यही है बड़ा दुख,
काम गया आराम गया और गया है सुख। आराम जो करना चाहते हो कर लो पूर्ण काम। काम बिना सब जेल है दुनिया बिना काम हुए बदनाम। काम के करने वाले को नरक न टोया मिलता है। कर्म वीर के आगे कोई दुख डांटे नहीं डरता है। कर्म के पूरा करने वाले काम के पूरा करने वाले को नरक नहीं छुपाते हैं। काम अधूरा जिसका रह गया वही नरक में जाते हैं। जिसने काम किया उसने आराम किया, जिसने न काम किया न किया आराम, उसने अपने जीवन को बिल्कुल किया हराम। चारों पदार्थ पा गया होगा पूर्ण काम, जिसका पूर्ण काम है पहुंचा पूर्ण धाम। जिसका पूर्ण काम है जीत लिया संसार, काम किया है जिसने पूर्ण हो गया भव पार। पूर्ण से पूर्ण बना पूर्ण करके काम, पूर्ण को पूर्ण मिला पूर्ण में विश्राम। पूर्ण को पूर्ण मिला पूर्ण आपत काम, करके पूर्ण काम को बंद किया संग्राम। काम बिना न विद्या पावे काम बिना न धन, काम बिना न काम बने काम बिना न चढ़े गगन। काम बिना न शुद्धि होवे काम बिना न होए मगन, काम बिना बेकार बने काम बिना क्या करे लगन। काम से ब्रह्मा काम से विष्णु काम से बने शंकर, काम से इंद्र काम कुबेर काम बिना सोना कंकर। काम बिना न रोटी पावे काम बिना न पावे ज्ञान, काम बिना न प्यारा लगे प्यार बिना न ध्यान। काम से प्रकाश मिले काम से विश्वास मिले, काम से भूमि वास मिले काम से पूर्ण आस मिले। काम का त्यागी ज्ञानी बने, काम का त्यागी ध्यानी बने, काम का त्यागी होवे शुद्ध, काम का त्यागी हो प्रबुद्ध। काम का त्यागी जीते युद्ध, काम का त्यागी पावे त्याग, काम का त्यागी पावे वैराग, काम का त्यागी है बेदाग। काम का त्यागी काटे बंद, काम का त्यागी तोड़े फंद, काम का त्यागी करे है सेवा, काम का त्यागी खावे मेवा। काम का त्यागी है भरपूर, काम का त्यागी है बड़ी दूर, काम का त्यागी दुख से छूटे, काम का त्यागी कभी न रूठे, काम का त्यागी है भगवान, काम का त्यागी पावे मान। काम का त्यागी रचे संसार, काम का त्यागी भव से पार, काम का त्यागी सर्वाधार, काम का त्यागी अपरंपार। काम का त्यागी न करे तकरार, काम का त्यागी है निराकार, काम का त्यागी पार ब्रह्म को पावे, काम का त्यागी न कभी घबरावे, काम का त्यागी है निर्लेप, काम का त्यागी न लावे विक्षेप, काम का त्यागी शांति पावे, काम का त्यागी परम पद पावे, काम का त्यागी युग युग जीवे, काम का त्यागी अमर रस पीवे, काम का त्यागी नरक न जावे, काम का त्यागी स्वर्ग को जावे, काम का त्यागी मुक्त हो जावे, काम का त्यागी सब बंधन छुड़ावे, काम का त्यागी सरल स्वभाव, काम का त्यागी न पलटे दाव, काम का त्यागी ब्रह्म को पावे, काम का त्यागी सबको भावे, काम का त्यागी सबसे न्यारा, काम का त्यागी सबको प्यारा। सब संत महात्मा गुरु लोगों को करता हूँ प्रणाम, सत मार्ग दिखलाने वाले तब जनता सरनाम। कर्म योग को करके पूर्ण जिसने कर दिया त्याग, ब्रह्मानंद को ब्रह्म मिला निकल गए बेलाग। ओम तत्सत ओम गुरुजी कहने वाले योगी हैं, ओम भुलाया बड़ा दुख पाया वही बड़े रोगी भोगी हैं। भुक्ति मुक्ति पाकर हो गए ब्रह्मानंद, गुण गुणी में रहने वाले रहते हैं पाबंद। ओम तत्सत। आज्ञा का सारा खेल, आज्ञा आवे आज्ञा जावे बिन आज्ञा ना रास्ता पावे। आज्ञा का है सारा खेल, आज्ञा बिना टूटे सब मेल। आज्ञा तोड़ी दुख बड़ा भारी, आज्ञा तोड़ दुखी नर नारी। आज्ञा के अंदर है संसार, आज्ञा तोड़े डूबे मझधार। आज्ञा तोड़ नरक में जावे, आज्ञा तोड़ बड़ा दुख पावे। आज्ञा तोड़ बड़ा पछतावे, आज्ञा तोड़ बहुत घबरावे। आज्ञा तोड़ ठीक नहीं आवे, आज्ञा तोड़ किसी को न भावे। आज्ञा तोड़ का क्या विश्वास, आज्ञा तोड़ का सत्यानाश। आज्ञा तोड़ को नहीं प्रकाश, आज्ञा तोड़ को मिले त्रास। आज्ञा तोड़ ईश्वर का चोर, आज्ञा तोड़ न डंगर न ढोर। आज्ञा तोड़ को मिले न ठोर, आज्ञा तोड़ फिरे बगदौड़। आज्ञा तोड़ न कुछ कर पावे, आज्ञा तोड़ नहीं शर्मावे। आज्ञा तोड़ बड़ा चंचल, आज्ञा तोड़ मचाए हलचल। आज्ञा तोड़ पीटे बड़ा भारी, आज्ञा तोड़ से तंग नर नारी। आज्ञा तोड़ने किसी कर्म का, आज्ञा तोड़ने किसी धर्म का। आज्ञा तोड़ बड़ा डरता है, आज्ञा तोड़ बुरा करता है। आज्ञा तोड़ कुएं में पड़ता है, आज्ञा तोड़ चढ़ चढ़ गिरता है। आज्ञा तोड़ने मुड़े मुड़ता है, आज्ञा तोड़ यूं ही लड़ता है। आज्ञा तोड़ करे बुराई, आज्ञा तोड़ने समझे भाई। आज्ञा तोड़ से बचना चाहिए, आज्ञा तोड़ के पास न जाइए। आज्ञा सोच समझ कर मान, सोच समझ बिन है नुकसान। आज्ञा पाले पूर्ण ज्ञान, आज्ञा पाले पूर्ण ध्यान। आज्ञा पाले ब्रह्म नहीं बाकी, गुरुदेव है इसका साक्षी। आज्ञा पाल पड़ेगा वेद, आज्ञा पाल मिटाए खेद। आज्ञा पाल मिटाए भेद, आज्ञा पाल मिटाए छेद। आज्ञा पाल बड़ा बे अंत, आज्ञा पाल रहे एकंत।
ब्रह्मानंद है आज्ञाकारी, पाप पुण्य से बैठक न्यारी, आज्ञापाल बड़ा प्रतापी, आज्ञापाल है सबका साथी, आज्ञापाल बड़ा गंभीर, आज्ञापाल बड़ा रणधीर, आज्ञापाल बड़ा बलवान, आज्ञापाल को पावे ज्ञान, आज्ञापाल बने गुरुदेव, आज्ञापाल बने गुरुसेव, आज्ञापाल है माया मित, आज्ञापाल रहे जगजीत, आज्ञापाल है सबका मित, आज्ञापाल न तोड़े प्रीत, आज्ञापाल की पूरी नीति, आज्ञापाल न हो भयभीत, आज्ञापाल बने भूपाल, आज्ञापाल बने मालो माल, आज्ञापाल की दूर कंगाली, आज्ञापाल न रहता ठाली, आज्ञा से आना आज्ञा से जाना, आज्ञा में है ठोर ठिकाना, ब्रह्मानंद जी इस दुनिया में आज्ञा तोड़ के धक्के खाना, लोग गया पर लोग गया जिसने आज्ञा तोड़ी, ब्रह्मानंद जी डूम रे वह जिसने आज्ञा छोड़ी, आज्ञाकारी रहे दिन रात, ब्रह्मानंद है हरदम साथ, आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार, आज्ञा पालन वालों की भी माया अपरंपार, दीक्षा शिक्षा भिक्षा रक्षा धृति धर्म का मूल, त्याग शील गुण कर्म है वेदानुकूल, ओम तत्सत। ओम अर्थ निरूपण। ओम सर्व संसार का है सब कारण मूल, शब्द सर्व संसार के धातु मूल समूल, ऐसे भू उसे भुए मैं से सब जान, ऋग अ में उ मैं यजुर मैं साम, चंद्र बिंदु नून गुना अर्थ वेदानुसार, ऋग यजु साम वेद तीन का भरा है सार, अ को ब्रह्मा उ को विष्णु मैं को शंकर मान, चंद्र बिंदु अनुस्वार सब में है प्रमाण, अ को ब्राह्मण उ को क्षत्रिय मैं को वैश्य बताया, चतुर्थ वर्ण का वर्णन करना बिंदु मात्र दर्शाया, ब्रह्मचारी ऐ के अंदर गृहस्थी ऊ में बस गए, मैं के अंदर वान प्रस्थी सन्यासी नुक्ते में धस गए, ऐसे सत का प्रकाश ऊ में रज का वास, मैं में तम करे निवास, तीन से न्यारा बिंदु विकास, धर्म कमाया ऐ को पाकर ऊ भी आया काम कमाकर, मैं के अंदर अर्थ घना है बिंदु के अंदर मोक्ष पना है, सत ऐ का विस्तार बताया ऊ के अंदर दया को पाया, मैं से तप का हो गया आना बिंदु अंदर दान ठिकाना, ऐ में सम ऊ में संतोष मैं में विचार, सत्संग है बिंदु आधार, ऐ ऊ मैं सत रजतम प्रकृति है बिंदु के सम, ऐ को माता कहते हैं ऊ को पिता, मैं को पुत्र बिंदु को गुरु जिता, ऐ सूर्य ऊ चंद्र तारे मैं अग्नि बिंदु बिजली सार चमकनी, पूर्व ऐ में ऊ में दक्षिण मैं पश्चिम बिंदु उत्तर अक्षिण, ऐ जागृति ऊ सौपन मैं सुसुप्ति तुरिया बिंदु सब में गुप्ती, ऐ में मन ऊ में बुद्धि मैं में चित चार बिंदु के अंदर पाया अहंकार, यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें जो अ उ और मैं तीन अक्षरों का मिलान है, तीन अक्षर मिल एक ओम समुदाय हुआ पूर्ण धाम है, इस एक नाम में परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट अग्नि और विश्वादि बताते हैं, ऊकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेज शादी गिनाए हैं, मैं कार से ईश्वर आदित्य और प्रज्ञादि समझाए हैं, यह इन नामों का ओ नाम वाचक और ग्राहक बता है, उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान आया है, प्रकरणानुकूल से ये सब नाम परमेश्वर के कहलाते हैं, परंपरा से ऋषि मुनि सब पढ़ते सुनते आते हैं, हे तू हान हानो पाए, इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नों को समझाने के लिए परिश्रम करना पड़ा षट दर्शनों को, जन्म गति को माने है तो कर्म गति को मान, कर्म गति को माने है तो भोग गति को जान, शुभ अशुभ मिले जुले कर्म बने हैं तीन, मन वचन काया से भोग रहे परवीन, जो करे कर्म को भोगे है इसमें क्या है भूल, जैसा पेड़ लगवाता है वैसा है फल फूल, पहले कर्म के करने से मन में सोच विचार करे भरेगा वैसा कहता है संसार, कर्म किया जो भोग में आया भोग लिया गया छूट, छूट गया जब हुआ स्वतंत्र कर्म बेल गई टूट, सवेरे 3 बजे उठकर करो जलपान, मल मूत्र को त्याग कर दंत धावन स्नान, आसन लगाकर कर प्रणाम, भूल कभी न कर सुबह शाम, तेरे लिए होगा शुभ प्रणाम, जपते रहना ओम शुभ नाम, तेरे सब होंगे पूर्ण काम, तुझे मिलेगा मुक्ति धाम, तीन पदार्थ अनादि जान, जीव ब्रह्मा जीव ब्रह्म प्रकृति मान, रोटी कपड़ा घर विद्या काम, पचरंगा पड़ा इसी से नाम, छठा सरस्वती एक ओम नाम, जप जपो मिले ब्रह्म धाम, सारा विश्व समाया इसमें, ब्रह्मानंद नहीं किसी में, यह सत बार पाठ कर कोई छूट ही दुख महासुख होई, ओम तत्सत।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सत्।